अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदर और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक जो है वो किसी भी टॉपिक से नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है और ये मेरी वीडियो जो है वो पहली वीडियो है चैनल मोनेटाइज होने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने चैनल को मोनेटाइज कैसे किया और जब मैंने पहली बार अप्लाई किया तो मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए रिजेक्ट हो गया था, उसकी वजह क्या थी। तो जब उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा तो उस नोटिफिकेशन को मैंने ओपन किया, देखा कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो वजह उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि आपके चैनल के अंदर रीयूज कंटेंट हो गया है। रीयूज कंटेंट क्यों आया, उसकी क्या वजह थी। सबसे पहला पॉइंट था उसके अंदर मैंने कबड्डी के कुछ मैचेस वगैरह अपलोड किए हुए थे और कुछ नहीं थे वो 10-12 या इससे भी ज़्यादा वो थे। तो अब इतने ज़्यादा जब मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स के मैचेस वहाँ पे अपलोड कर दिए, उससे क्या नतीजा निकला। सबसे पहले मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ। उन लोगों का ये कहना है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट के आप वीडियो डालते हो तो उसमें आपने ये भी बताना है कि इस स्पोर्ट्स में कौन सी टीम खेल रही है, कौन सा टूर्नामेंट है और क्या यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, इसके अंदर आपने अपनी कमेंट्री भी करनी है, इसके बारे में आपने कमेंट भी करनी है और इसको हाईलाइट भी करना है कौन जीता कौन हारा। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं उन वीडियोज़ को जैसे वहाँ से ग्राउंड से मैंने उसको क्लिक करता था, वहाँ से मैं उसकी वीडियो बनाता था और उसको मैं ले आता था, यहाँ पर आके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर देता था और इसका ये नतीजा निकला। फिर मैंने क्या किया, उन सब वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था, अब उन्होंने एक और पॉइंट हाईलाइट किया हुआ था वहाँ पे कि आप अपने चैनल के अंदर किसी भी दूसरे फर्द को या किसी भी दूसरों की आप दूसरों की प्रमोशन नहीं कर सकते। आप में से बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रमोशन भी करते हैं, तो ये काम भी आपने नहीं करना, अदरवाइज आपका चैनल जो होगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। अब मेरे वीडियोस के अंदर मैं तो किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी छोटी सी 1 मिनट की वीडियो जो है जिससे वास्ट टाइम का कुछ भी लेना देना नहीं था, उसके ऊपर व्यूज जो थे वो बहुत ही कम थे, 1-2 व्यूज थे, तो उस वीडियो के ऊपर रीयूज कंटेंट क्यों आ गया। तो उसकी वजह थी मैंने उसके अंदर उसमें मैं अपनी सर्विसेज के हवाले से कुछ प्रमोशंस वगैरह गूगल ऐड या अपनी एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज है उसकी मैं प्रमोशन कर रहा था, तो मैंने उसको भी प्राइवेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब उसके बाद जब उन्होंने थर्ड पॉइंट वहां पे हाईलाइट किया, उसमें क्या था कि आप अगर दूसरों की वीडियो उठाते हो, दूसरों की वीडियो लेते हो, तो उसको आपने अच्छे से वहाँ पे कमेंट भी करना है, रिएक्शन भी देना है और उसके ऊपर तबसरा भी करना है। अब मैंने 4-5 वीडियो ऐसी भी डाली हुई थी जिसमें मैंने जस्ट फ्री कॉपीराइट वीडियो उठाई, उनको जोड़ा और जोड़ के उसके ऊपर कमेंट्री जैसे करते हैं वैसे मैंने कमेंट करके उसको डाला हुआ था, तो उनको भी मैंने प्राइवेट कर दिया। अब बाकी जो मेरी फेस की वीडियो थी वो मैंने जस्ट रख ली और उनको मैंने मोनेटाइज के लिए भेज दिया, तो वो सारी के सारी वीडियो मेरी मोनेटाइज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसका वॉच टाइम भी था वो भी कंप्लीट था, तो अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। फाइनली 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 जब मैंने दोबारा फिर 1 महीने के बाद, मुझे 1 महीने का अरसा था, 28 तारीख को जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के मेम्बर बनने के अहल हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी मोनेटाइजेशन को ऑन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हैं। वो भी वीडियोस मैंने अप्लाई कर दी जो वीडियो पहले मोनेटाइजेशन में नहीं थी। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या बताना चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ ऐसे मशवरे दूंगा जिन जो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं, बहुत सी ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा कि जिसको आप अप्लाई करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। से बहुत से लोग भी यही सोचते हैं कि वो भी अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करें, कैसे जनरेट करें, यूट्यूब चैनल के जरिए, यूट्यूब के जरिए।